स्टूडेंट माई नेम इज़ बिजेंद्र सिंह, आई एम योर एस एस टी टीचर इन विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल लेट्सअप। वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 2 विच इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। नाउ टुडे टॉपिक इज लोकल टाइम। इफ वी सेट अवर वॉचेज टू द करेक्ट टाइम एट 12 नून व्हेन अवर लॉन्गिट्यूड इज डायरेक्टली अंडर द सन, जब हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो ठीक सूर्य के नीचे है, तो उस समय जो है अपनी वॉच को करेक्ट, अपनी जो घड़ी है आपकी उसे 12 बजे पर सेट कर लीजिए। द टाइम सोन इट सेड टू बी लोकल टाइम, तो इसे हम सामान्य समय या लोकल टाइम कहेंगे, ठीक है। ऑल प्लेस ऑन द सेम मेरिडियन विल हैव द सेम टाइम, सेम लोकल टाइम। तो क्या होगा कि उस मेरिडियन पर के सभी स्थानों पर, जैसे जो लॉन्गिट्यूड है उस पर स्थित सभी स्थानों पर जो है उस समय जो है सेम टाइम, सेम लोकल टाइम ही होगा, ठीक है। द लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस कैन आल्सो बी कैलकुलेट, हम जो है किसी स्थान के सामान्य समय को दूसरे तरीके से भी नाप सकते हैं या पता लगा सकते हैं। इफ वी है वी नो, अगर हम जानते हैं द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस, उस स्थान के लॉन्गिट्यूड के बारे में, एंड द लोकल टाइम एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द अनदर प्लेस, और लोकल टाइम एंड द जो है लॉन्गिट्यूड ऑफ अनदर प्लेस में दूसरे स्थान का, यदि दूसरे स्थान का लोकल टाइम और वहाँ का लॉन्गिट्यूड अगर आपको पता है तब भी आप जो है अपने स्थान की जो है समय का पता लगा सकते हैं कि समय क्या बज रहा है। प्लेस लोकेटेड ऑन डिफरेंट मेरिडियन हैव डिफरेंट लोकल टाइम, तो अलग अलग मेरिडियंस पर जो अलग अलग स्थान होते हैं वहाँ उनका समय भी अलग अलग ही, लोकल टाइम भी अलग अलग होता है। द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ टू प्लेस कैन बी ईजीली कैलकुलेट, हम बड़ी आसानी से इसकी गणना कर सकते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर जो द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम, तो जो अलग अलग मेरिडियन पर जो आप समझ सकते हैं समय में जो अंतर पाया जाता है उसे हम बड़ी आसानी से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन, आप सभी जानते हैं पृथ्वी जो है अपना एक चक्र पूरा करने में, अपनी धुरी पर अपना एक चक्र पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। दैट इज टू कवर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो ये जो है 24 घंटे में मतलब उसमें जो है 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करती है। जब अपनी धुरी पर घूमती है तो जाहिर सी बात है कि वो 360 डिग्री घूमेगी, ठीक है। सो टू कवर्स 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इट विल टेक 24 × 60 डिवाइडेड बाय 360, यानी आप दूसरे शब्दों में से जो है 4 मिनट भी कह सकते हैं, यानी कि पृथ्वी एक डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने के लिए 4 मिनट का समय लेती है। मीन्स अगर पृथ्वी अभी मान लीजिए 0 डिग्री पर थी और उसे 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड उसने कवर किया तो उसने जो है इतना 4 मिनट का समय लिया, ठीक है। पृथ्वी 0 डिग्री से 1 डिग्री पहुंचने में 4 मिनट का समय लेती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सपोज इट इज़ 12 बजे नून, ठीक है। सपोज इट इज़ 12 नून, अभी 12 बज रहे हैं एट ग्रीनविच 0 डिग्री पर, तो ग्रीनविच लाइन पर जो है ये मान लीजिए कि आप इस समय 12 बज रहे हैं। व्हाट विल द टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट एंड 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, तो उस समय 30 डिग्री ईस्ट में कितना समय हो रहा होगा और 30 डिग्री वेस्ट में कितना समय हो रहा होगा। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन करते, कैसे करेंगे हम कैलकुलेशन। द टाइम डिफरेंस बिटवीन 0 डिग्री एंड 30 डिग्री इज 30 × 4, आप देख सकते हैं, तो कितना आ गया 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स या फिर 2 आवर्स या 2 घंटे। तो दस एट 30 डिग्री ईस्ट एट द टाइम विल बी 14th आवर, यानी कि 12 + 2 या फिर 2 बज रहे होंगे, ठीक है। आपको बताया था जब पूरब की ओर हम चलते हैं तो समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर चलते हैं तो समय घटता है। तो 30 × 4 करेंगे तो 2 घंटे का समय आएगा। मींस जिस समय ग्रीनविच पर 12 बज रहे होंगे उसी समय 30 डिग्री ईस्ट पर 2 बज रहे होंगे, ठीक है।
इसी प्रकार जब हम वेस्ट में जाएंगे 30 डिग्री वेस्ट में, तो टाइम क्या होगा उसमें 2 घंटे घटा देंगे हम, तो उस समय 30 डिग्री वेस्ट पर 10 बजे रहेंगे। सिंपल, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको ये लोकल टाइम्स कैसे निकाला जाता है ये समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम जो है स्टैंडर्ड टाइम पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।